गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वी हैव कम्प्लीटेड प्रेजेंट टेंस. टूडे वी विल रीड पास्ट टेंस एंड आई होप यू हैव कम्प्लीटेड योर होमवर्क. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड एक्सरसाइज. नाउ वी स्टार्ट सिंपल पास्ट टेंस. प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है हमारा. आज हम करेंगे स्टार्ट सिंपल पास्ट टेंस. व्हाट इज पास्ट टेंस? पास्ट टेंस इज यूज फॉर थिंग्स और एक्शन विच कंप्लीटेड इन द पास्ट. इट मीन्स कोई भी एक्शन या वर्क या हमारा कोई भी थिंग्स जो हमारी कब कंप्लीट हो गई है? पास्ट में. और पास्ट कब होता है? यस्टरडे, लास्ट टाइम. ये जो हमारी सब पास्ट में कंप्लीट हो गए वो कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस डेफिनेशन बोलो या किसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस? द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स विच हैपन्ड इन द पास्ट. विच हैपन जो कब हो गई हो? पास्ट में हो गई हो. कोई भी चीज़ें या कोई एक्शन जो हमने किया है, कोई वर्क, वो कब कंप्लीट हुआ है हमारा? पास्ट में. और अगर एग्जांपल आपको ये दिए हुए हैं कोई भी सेंटेंस में दिख जाए, यस्टरडे, लास्ट डे, या लास्ट नाइट, टू इयर्स एगो, एक्सेट्रा. ये सारे वर्ड्स अगर कोई भी सेंटेंस में दिख जाए तो कौन सा टेंस यूज होगा? कौन सा टेंस यूज होगा उसमें? पास्ट टेंस. तो पास्ट टेंस क्या होते हैं? द सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स विच हैपन इन द पास्ट. इसमें ऑलवेज कौन सी प्रेजेंट टेंस पढ़ा था उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती थी? प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती थी सिंपल प्रेजेंट में. एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सी यूज होती थी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. लेकिन सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी. वर्ब की सेकेंड फॉर्म इज ऑलवेज यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेज. इसको नोट डाउन करने के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट कौन सा होता है? इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस आते हैं कोई भी टेंस हो, लेकिन सबसे पार्ट फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है इसका? अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म. स्ट्रक्चर सेम होता है पैटर्न. सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट. चेंज क्या हो जाती है अपनी? वर्ब्स चेंज हो जाती हैं या हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाती है. अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पता है सबको. वर्ब की सेकेंड फॉर्म अब प्ले है. प्ले अपनी क्या है? एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. उसकी सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? प्लेड.
मोस्ट ऑफ वर्ब्स जितनी होती है उनमें क्या लगता है ईडी लग के वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाती है, लेकिन कुछ वर्ब होंगी जिनमें ईडी नहीं लगेगा, उनका क्या चेंज हो जाएगा स्पेलिंग? इसको नोट डाउन करो, फिर मैं कुछ वर्ब्स लिखवाऊंगी उनकी सेकंड फॉर्म। वर्ब्स लिखवा रही हूँ, उनको नोट डाउन करना कि कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉक, तो वॉक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, इसमें क्या लग जाएगा ईडी, ईडी लग के इसकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्ले, ऐसे ही प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें ईडी नहीं लगता, ईट, ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है एट। रीड, रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही होती है, चेंज नहीं होती। गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। कम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। डू, डू की सेकंड फॉर्म डिड। वाई, वॉट। स्टैंड, स्टूड। पे, पेड। ड्रॉ, ड्रू। ड्रिंक, ड्रैंक। टेक, टुक। ये मैंने लिखवाई है कुछ, ये अपने किस में आएंगी सेंटेंस में यूज़ आएंगी, इनको नोट डाउन करो। वॉक की फर्स्ट फॉर्म, वॉक की सेकंड फॉर्म कौन सी है वॉक। प्ले की, प्ले फर्स्ट फॉर्म एंड प्ले की सेकंड फॉर्म है प्लेड। ईट की सेकंड फॉर्म एट। रीड की, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है एंड सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है। गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। कम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। डू, डू की सेकंड फॉर्म है डिड। बाय, बाय की सेकंड फॉर्म कौन सी है वॉट। स्टैंड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड। पे की सेकंड फॉर्म पेड। ड्रॉ की सेकंड फॉर्म ड्रू। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक। एंड टेक की सेकंड फॉर्म टुक।
और जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो किस टेंस में यूज होंगी? सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑलवेज यूज इज वर्ब की सेकंड फॉर्म। नोट डाउन करो इन्हें। अब सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या था अपना पैटर्न? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म इज यूज होती थी कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कोई भी सेकंड फॉर्म लेके हम क्या यूज सेंटेंस बनाएंगे? फॉर एग्जांपल वाई की सेकंड फॉर्म व्हाट, और वाई मींस पता है सबको क्या होता है? खरीदना। तो वी ये अपना सब्जेक्ट हो गया। वी के बाद क्या कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वी व्हाट, वी व्हाट, हमने क्या खरीदा? कुछ खरीदा क्या? वी व्हाट टॉयज, हमने क्या लिया? वी व्हाट टॉयज। और अगर हम लिखना चाहें तो वी व्हाट टॉयज यस्टरडे, तो यस्टरडे कब था? पास्ट टेंस हो गया अपना। यस्टरडे कर लिया था ना हमने पास्ट में। वी व्हाट टॉयज यस्टरडे। ऐसे एग्जाम्पल फर्स्ट, ऐसे एग्जाम्पल है सेकंड। वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड, वी सब्जेक्ट, प्ले सेकंड फॉर्म क्या है प्ले की? प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, हम क्रिकेट कब खेले? यस्टरडे, कल खेले थे ना। तो ये कौन सा टेंस हो गया अपना? पास्ट टेंस। ऐसे कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आई वेंट, आई वेंट, मैं गया। वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है? गो की। शी केम, वह आई। कम की सेकंड फॉर्म? केम। दे, दे ड्रैंक मिल्क लास्ट नाइट, दे ड्रिंक मिल्क लास्ट नाइट, उन्होंने क्या पिया? मिल्क। कब पिया? लास्ट नाइट, पास्ट को पिया था ना, तो दे ड्रैंक मिल्क लास्ट नाइट। तो ये कौन से टेंस हो गए अपने? पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म। नोट डाउन करो एग्जाम्पल्स। ये अपना कौन सा टेंस सेंटेंस थे? अफर्मेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में ही पढ़ा था हमने। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनका पैटर्न क्या है? अब पैटर्न सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों आएगी? क्यों? क्योंकि हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज ले ली कौन सी? डिड। और डिड ऑलरेडी क्या है? पास्ट है। तो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इन्हें हम नेगेटिव बनाए। वी वॉट टॉयज यस्टरडे, तो कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल वी, फिर क्या आएगा? डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब है अपनी डिड। इसके बाद क्या आएगा? नॉट,
वी डिड नॉट, अब इसमें वर्ब कौन सी है, वॉट, वॉट थी ना अपनी वर्ब, कौन सी वर्ब थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब हमें इसमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वॉट की वर्ब फर्स्ट फॉर्म कौन सी थी, वाई, वी डिड नॉट वाई क्या टॉयज यस्टरडे, वी डिड नॉट वाई टॉयज यस्टरडे, ऐसे इसको सेकंड बनाएं तो वी नेगेटिव है, वी के बाद क्या आएगा अपनी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें डिड, वी डिड, देन नॉट नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, फिर प्लेड, प्लेड है अपनी क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है इसमें प्लेड, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी प्लेड की, प्ले क्या क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट यस्टरडे या वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, हमने क्या नहीं खेला क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ऐसे शी केम है, अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे हम, शी डिड नॉट, शी डिड नॉट कम, शी के बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट नेगेटिव है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वेंट, आई, अब आई के बाद क्या आएगा डिड, नॉट और वेंट है अपनी सेकेंड फॉर्म और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी गो, आई डिड नॉट गो, डिड सब सब्जेक्ट्स के साथ आएगा, सब्जेक्ट अपना सिंगुलर हो प्लूरल हो या कोई सा भी हो, डिड ऑलवेज इज ऑल सब्जेक्ट, नोट डाउन करो इन्हें, ये थे अपने नेगेटिव सेंटेंसेस, जो ये अपना होता है क्या नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हम डिड नॉट को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड एन टी डिडंट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट को शॉर्ट में क्या यूज कर सकते हैं हम डिड नॉट को डिडंट, पहले भी यूज किया था ना हमने डजंट डोंट इज एम आर को भी शॉर्ट में लिखा था इजंट आरंट एम नॉट, तो हम इसको शॉर्ट में क्या यूज कर सकते हैं शी डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इससे क्या होगा कुछ भी चेंज नहीं होगा, सपोज मैं बनाती हूँ आई डिड नॉट गो, एग्जाम्पल आई डिड नॉट गो, क्या बनाऊंगी मैं आई डिडंट गो, तो हमने डिडंट को किसको शॉर्ट में लिखा है डिड नॉट को शॉर्ट में क्या लिख दिया डिडंट, शॉर्ट में हमने क्या लिख दिया आई डिडंट गो, ऐसी कोई भी सेंटेंस हो वी वी डिडंट कम, तो डिड नॉट को शॉर्ट में क्या यूज लिखेंगे डिड एन और टी, आई डिडंट ये कौन सी सेंटेंस हो गए अपने नेगेटिव, तो पास्ट टेंस के अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस सबको आ गए ना समझ में,
अब इसकी हम वी क्वेश्चन है, वी नंबर है, इसको सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, और अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि हम कैसे सेंटेंस को करेंगे। फर्स्ट वी है, योर मदर टोल्ड यू टू डू दीज थिंग्स यस्टरडे। योर मदर टोल्ड यू टू डू दीज थिंग्स yesterday, you did them. You did them. Now say what you did. Your mother told you to these things yesterday, you did them. Now you say what you did. अब इसमें फर्स्ट है क्लीन टीथ, उसकी जो किसी क्वेश्चन है इसमें मदर ने क्या बोला था, उसको लास्ट पास में कुछ करने को बोला था, उसने क्या किया है, तो हमको इस प्रेजेंट ये सिंपल सेंटेंस को किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट टेंस में। अब इसमें फर्स्ट बताया हुआ है कि हम कैसे करेंगे क्लीन टीथ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या लेना है, हमको ऑलवेज आई, हमको खुद को मानना है आई आई, तो मैंने क्या किया कर आई क्लीन। अब मैंने पास में किया तो सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्लीन की सेकंड फॉर्म कौन सी है, क्लीन्ड, क्या लग जाएगा एन ई ई डी क्लीन टीथ, आई क्लीन्ड टीथ। सेकंड टेक बाथ, इसके बाद क्या किया मैंने, टीथ, आई क्लीन टीथ देन टेक बाथ, तो आई सब्जेक्ट कौन सा आएगा ऑलवेज आई टेक। अब टेक अभी लिखवाया था नोट डाउन, टेक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और टेक की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, टुक, आई टुक बाथ, आई टुक बाथ। थर्ड चेंज क्लॉथ्स, फिर क्या किया, चेंज क्लॉथ्स, तो आई सब्जेक्ट आएगा, आई चेंज की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, चेंज्ड क्लॉथ्स, आई चेंज्ड क्लॉथ्स। फोर्थ टेक ब्रेकफास्ट, इसके बाद क्या किया, टेक ब्रेकफास्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा इसमें, आई टुक ब्रेकफास्ट। अब टेक की सेकंड फॉर्म क्या थी, टुक, सब्जेक्ट हमको क्या लगाना था, आई यूज करना था एंड ब्रेकफास्ट, तो टेक ब्रेकफास्ट को इसमें चेंज किया, आई टुक ब्रेकफास्ट। डू होमवर्क, इसके बाद क्या किया मैंने, डू होमवर्क, हमको बताना कब है कि मैंने ये सब कब किया था, कल किया था, तो आई डू कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म कौन सी है, आई डिड होमवर्क, आई डिड होमवर्क। सिक्स है रीड द फर्स्ट टू चैप्टर्स, रीड द फर्स्ट टू चैप्टर्स, रीड द फर्स्ट टू चैप्टर, डू होमवर्क, होमवर्क करने के बाद मैंने क्या किया है, रीड द फर्स्ट टू चैप्टर्स, तो रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रीड होती है और रीड ही वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, सब्जेक्ट क्या यूज करना है, आई, आई रीड द फर्स्ट टू चैप्टर्स, आई रीड फर्स्ट टू चैप्टर्स।
इसमें क्या बताया, उसका पूरा रूटीन बताया हुआ है। सबसे पहले क्या किया था उसने, क्लीन टीथ, तो पास में क्या था उसने, तो क्या सब्जेक्ट बर की सेकंड फॉर्म टीथ, आई क्लीन टीथ, देन टेक बाथ, आई टुक बाथ, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म इज टुक, देन चेंज क्लॉथ्स, तो आई चेंज्ड क्लॉथ्स, चेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इज चेंज्ड, देन टेक ब्रेकफास्ट, सब्जेक्ट इज आई, देन टेक इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुक इज वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई टुक ब्रेकफास्ट, देन डू होमवर्क, आई डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज डू, आई डिड होमवर्क, रीड द फर्स्ट टू चैप्टर्स, आई रीड द फर्स्ट टू चैप्टर, बिकॉज रीड एंड रीड वर्ब की फर्स्ट एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म इज सेम। नोट डाउन करो इन्हें, इन्हें नोट डाउन करने के बाद मैंने कितने क्वेश्चंस करवाए, इसमें 6 क्वेश्चन करवाए, इसके आगे के कितने क्वेश्चंस है, 7, 8, 9 और 10, 4 क्वेश्चन क्या करना है आपको एज ए होमवर्क, और यहाँ तक नोट डाउन करना है पूरा सिंपल पास्ट टेंस।